I'm coming, honey. Shit, where you at, hon? God damn, it's bad, Josie. इंटरनेट एक ऐसी विशालकाय दुनिया जिसे पूरे तरीके से समझ पाना लगभग हर किसी के लिए असंभव है। इंटरनेट ये एक ऐसी दुनिया है जिसके ऊपर रोजाना करोड़ों चीजें अपलोड होती रहती है, पर इनमें से बहुत ही कम चीजें हमारे सामने आ पाती है। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंटरनेट पर मौजूद ऐसे ही परेशान कर देने वाली चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखें। आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। January 13, 2018 अमेरिका के हवाई राज्य में एक इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। खैर, इस इमरजेंसी अलर्ट के बारे में जानने से पहले हमें इसके पीछे की कहानी समझनी होगी। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच का रिश्ता हम सभी को पता है, और उत्तर कोरिया ने कई बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकियां भी अमेरिका को दी है। खैर, इसी खतरे को समझते हुए अमेरिकी सरकार ने अपने सभी राज्यों में नागरिकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण देते समय सभी लोगों के मोबाइल पे एक मैसेज आता था जो एक डेमो के रूप में होता था, पर 13 जनवरी को सुबह 8 बजे जो मैसेज आया था वो किसी भी रूप से एक डेमो मैसेज नहीं था, बल्कि उस मैसेज में सीधे सीधे नागरिकों को चेतावनी दी थी जिसमें लिखा था, इमरजेंसी अलर्ट, हवाई में बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा है, तत्काल आश्रय की तलाश करें, ये कोई ड्रिल नहीं है। ये मैसेज पढ़ते ही सभी लोग डर गए और डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। खैर, इस किस्से से जुड़े मेरे पास कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आइए एक नजर डालते हैं उन वीडियोस पर। If you're watching this video, that means I didn't make it because of the missile that's coming towards Hawaii. I just parted the last hole and I just hit the shiznick out of my ball. So, I love you all, but I'm playing golf. It's the last thing I'm going to do. A missile may impact on land or sea within minutes. This is not a drill. If you are indoors, stay indoors. If you are outdoors, seek immediate shelter in a building. Remain indoors well away from windows. If you are driving, pull safely to the side of the road and seek shelter in a building or lay on the floor. We will announce when the threat has ended. This is not a drill. सौभाग्य से ये पूरी घटना एक फॉल्स अलार्म था जो गलती से फैल गया था, पर अगर ऐसा सच में होता तो हवाई के लोगों के पास बचकर निकलने का कोई भी चारा नहीं है। ये YouTube वीडियो 2013 में वॉशिंगटन में आए तूफान के समय मार्क नामक शख्स द्वारा ली गई थी। ये वीडियो की शुरुआत एक घर के बाहर चल रहे तूफान के साथ होती है, जो तूफान देखते ही देखते फिल्मा रहे शख्स का घर बर्खास्त कर निकल जाता है। खैर, ये वीडियो इतनी खतरनाक है कि ये वीडियो देखने के बाद हर कोई डर सकता है। Where you at, hon? God damn, it's bad. Alright, steady, steady, steady down, honey. Oh, shit, Josie. Uh-oh. It's, we're gonna get some shit here, honey. Is this gonna save us? I hope so, honey.
No, not yet. No. Oh. Oh my God, Josie. What? Wow. Holy moly. Oh my God. Our house is freaking destroyed, Josie! No! Oh my God! Where's Autumn? अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती तो आप क्या करते? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये एक और फेसबुक पोस्ट है जो 3 अक्टूबर को तेरी नामक यूजर द्वारा की गई थी। तेरी अपने पोस्ट में लिखती है कि क्या आप लोगों ने कल लुसियाना के रेडियो स्टेशन पर वो भयानक आवाज सुनी? खैर, तेरी ने उसी रेडियो स्टेशन से जुड़े कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं, तो आइए एक नजर डालते उन पोस्ट पर। जब ये पोस्ट रेडियो स्टेशन तक पहुंचे तब उन्होंने कथित तौर पर कहा कि रेडियो प्रसारण स्टेशनों के अनुसार ये एक आपातकालीन चेतावनी परीक्षण था जिसे बाहर भेजा गया था और जाहिर तौर पर ये हर समय होता है। खैर, रेडियो स्टेशन ने अपनी सफाई तो दे दी, पर फिर भी ऐसी डरावनी आवाजें लोगों को सुनाने का क्या मतलब हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ...2015 में एक सबरेडिट यूजर ने एक पोस्ट डाला था। उस पोस्ट में उन्होंने दावा किया था कि उनके घर के पास बच्चों को संभालने वाला एक डे केयर सेंटर है, जो बहुत ही अजीब है। मैं इसे 5 सालों से देख रहा हूँ, पर मुझे आज तक यहाँ पर कोई भी बच्चा नजर नहीं आया। जैसा कि अपेक्षित था, इस पोस्ट ने रेडिएटर्स के बीच रुचि पैदा की और बाकी लोगों ने सुझाव देना शुरू कर दिया कि यहाँ पे क्या हो सकता है। कुछ लोगों का दावा था कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग सेंटर हो सकता है, जबकि अन्य रेडिटर्स का दावा था कि इसका उपयोग शायद चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए किया जाता होगा। पर बाकी लोगों का मानना था कि ये केवल वास्तविक डे केयर सेंटर है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, चीजें तब इंटरेस्टिंग हुई जब डेथ नामक यूजर ने ये कमेंट किया। वो अपने कमेंट में बोलते है कि मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि इस जगह को देखना बंद करें। इस कमेंट को देखने के बाद एक यूजर ने इस डे केयर सेंटर के साथ संपर्क किया। यूजर ने बताया कि जब मैंने इस डे केयर सेंटर में कॉल किया था तब सामने से एक महिला बात कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपके डे केयर सेंटर को मैं हमेशा देखता हूँ, पर मुझे आज तक यहाँ पर कोई भी बच्चा नजर नहीं आया। इस बात पर रिस्पॉन्स देते हुए उस महिला ने बोला कि नहीं सर, हमारा डे केयर सेंटर हमेशा बच्चों से भरा रहता है। इस पूरी बातचीत में मुझे एक बात बहुत अजीब लगी कि इनके सेंटर में एक भी बच्चा नहीं होता है, तो ये लोग ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं कि हमारा डे केयर सेंटर हमेशा बच्चों से भरा रहता है। खैर, आपको क्या लगता है ये पूरा मामला क्या हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। खैर, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।